आज हम ऐसे सवाल देख रहे हैं जो नवोदय के पूर्व वर्षों के पेपर में आए हुए हैं। तो हमारे पास एक सवाल है कि मयूर ने एक 10 सेंटीमीटर की छड़ी को 11 सेंटीमीटर माप लिया, उसने लंबाई मापने में कितने प्रतिशत की गलती की। चार उत्तर दिए हुए हैं, पहला है 10%, दूसरा है 12%, तीसरा है 15% और चौथा है 20%। तो अब हम देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मयूर ने एक 10 सेंटीमीटर की छड़ी को 11 सेंटीमीटर में मापा है, तो 10 सेंटीमीटर की एक छड़ी थी उससे मापा है, 11 सेंटीमीटर में मापा है, तो कितना का वो त्रुटि किया है। यदि हम 10 से 11 के में जाएंगे तो एक का त्रुटि किया है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो न्यूनतम अंक है वो क्या है, 10। अब प्रतिशत में हम बात कर रहे हैं तो हम गुणित 100 कर देंगे। अब हम निकाल देंगे, ये शून्य कटा, ये शून्य कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 × 10 = 10% का वह नापने में क्या किया है, त्रुटि किया है, तो इसका उत्तर होगा A 10। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बदलता है ये देखेंगे। जैसे कि इसमें बदल देगा कि एक किराना दुकान वाले ने 1000 ग्राम की तुलना में 850 ग्राम को माप लिया, तो वह कितने प्रतिशत की त्रुटि किया, तो आंसर इसी प्रकार से बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, डाटा बदल जाएगा। फिर हम एक और अन्य सवाल देखते हैं। हमारे पास एक सवाल है कि कितने समय में 7% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। इस पर हम पहले भी वीडियो बना सकते हैं, जहाँ पर भी ये गुना वाले सवाल आएंगे उसे किस प्रकार से हम बनाते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, कितने समय, समय निकालना है। हमारे पास चार उत्तर दिए हुए हैं, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष। देखिए समय निकालना है, जिसके निकालना है हम यहाँ लिखेंगे समय बराबर, एक गुना वाले सवाल में क्या करेंगे, n-1 × 100 / हमें जो निकालना है दर, ठीक है। अब देखिए समय निकालना है, n क्या है हमारे पर, गुना मतलब 4, तो हम लिखेंगे 4-1 100 / दर। दर कितनी दी है, 7.5। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 100 / 7.5। अब हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के हमको पता है कि ये हो जाएगा आपका 300 / हो जाएगा 75/10। अब ये 10 चले जाएगा आपको 300 के पास, तो इसको कैसे लिखेंगे, 300 × 10/75, या हम लिख सकते हैं कि 3000/75। अब हम इस 75 भाग कर देंगे, भाग कर देते हैं, हम भाग करना हमको आता है। अब 75 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते हैं आता है तो अब हम 75 का पहाड़ा को बना भी सकते हैं, हमें पहाड़ा बनने भी आना चाहिए। कैसे कि 75 × 1, 75 × 2, 75 × 3, 75 × 4, 75 × 5, हम इतना तक लेते हैं, 75 एकम तो 75 हो जाएगा, 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150, फिर 75 3 हो जाएगा, 5 3 15 का 5 हासिल में आया 1, और 3 7 21 और 1 22, इसके 75 4 हो जाएगा, 5 20 हाथ में आया, 2 7 28 और 2 30, हम इतना करके देखते हैं, तो 75 चौक से जा रहा है 30, तो 75 यहाँ लिखेंगे चौक, 300 आया, 300 में बचा, अब 0 बचेगा, 75 0 0, तो हमारा उत्तर आ रहा है 40। तो क्या हो रहा है, कितने समय में मतलब 40 वर्षों में 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं।